ब्रीडर सोसाइटी में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाई थोड़ा हाँ बिजी ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया, वीडियो बना नहीं पाया और हालात भी क्योंकि काम कर रहे थे भाई आज थोड़ा सा ज़्यादा। भाई अपने पेज को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करते रहा करो। लेकिन आज वाली वीडियो आप सबको शेयर करनी है, नहीं करनी है वो आपका शुद्ध शुद्ध विचार होगा। तो आज किसी के लिए कोई वो मतलब नहीं है, आज किसी को गलत नहीं कहेंगे ना किसी को अच्छा कहेंगे। नाम लेके तो हमने पहले भी नहीं कहा, लेकिन आज समाज की बुराइयों की बात नहीं करेंगे। आज थोड़ा हाँ गुड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन उसमें आप सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। उसके बगैर अकेला मैं भी क्या कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, मेरे भी बहुत सारे काम है और सोशल मीडिया के 2-3 वर्क और कर रहा हूँ मैं। कई भाई मेरे को देखते भी हैं वहाँ पे। तो जी आज की वीडियो उनके लिए जो ब्रीडिंग करते हैं, यहाँ पर अच्छे और बुरे उस चीज़ों की तालमेल हम जानकारी अभी है नहीं हमारे को, ब्रीडर सोसाइटी के पेज को। तो सब करने के लिए कुछ कदम बढ़ाने के लिए ना एक ग्रुप तैयार किया है मैंने। तो उस ग्रुप में क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, कैसे इसको चलाना चाहिए और कैसे कैसे मतलब ऊपर तालमेल होता है, जो कैसे इसमें फ्रॉड लोगों से बच सकते हैं, इस साइड टाइप की इन्फॉर्मेशन मेरे को अब चाहिए। देखो मेरी तरफ से मैं अपना कुछ बता देता हूँ। सबसे पहला तो ग्रुप का मॉडरेटर बोलते हैं शायद, 2 या 3 भाई हमारे को चाहिए। वो भाई चाहिए जो अपने ब्रीडर भाई पोस्ट करेंगे ना दिन में मान के चलो 20 भाई अपने हैं, 50 भाई हैं, 500 भाई हैं, वो इस ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हैं। जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा उसके अंदर पोस्ट अप्रूव नहीं होगी। तो मेरी विनती है आपसे, वो भाई मेरे से संपर्क करें, 2-3 भाई मुझे इस चीज में हाथ पकड़ के चलने के लिए मुझे चाहिए, जो मेरा हाथ पकड़ के चले। तो वो भाई चाहिए जो ग्रुप को संभाल सके। इसके अंदर जो पोस्ट करते हैं ना ब्रीडर, दिन में जब भी आपको फुर्सत मिले, दिन में रात में 24 घंटे के टाइम के अंदर अंदर आपको वो पोस्टें अप्रूव करनी है। लेकिन उसका एक तरीका रहेगा कि भाई उस ग्रुप के अंदर जिस भाई ने पोस्ट डालने की कोशिश की है उसकी प्रोफाइल चेक कीजिए, उसकी सिस्टम को चेक कीजिए पूरा तसल्ली से कि हाँ ये बंदा ओरिजिनल है और ये फ्रॉडबाजी नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता ही है कैसे हम चेक करते हैं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को तो पता रहता है देखो, ठीक है। तो लेकिन नए बच्चे हैं उनको नहीं पता रहता, वो फंस जाते हैं। तो इसमें जो भी भाई सहयोग देना चाहता है तो 3 भाई आगे आए, कम से कम 3 4 5 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका वेलकम है। दूसरा मैं चाह रहा था कि सर इसमें जैसे आप सबके जो भी ब्रीडर भाई रहेंगे उसके लिए सबके आईडी प्रूफ, उसकी लोकेशन, उसका फार्म का सिस्टम सब चाहिए हमारे को। यहां पे डालेंगे नहीं किसी को प्रमोट करेंगे अभी नहीं, लेकिन ये उनके लिए क्या बोलते हैं, जो हमारे कस्टमर है, जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमसे जुड़ेंगे, उन सब के लिए सहायक रहेगा। क्योंकि जो हम पोस्ट अप्रूव करेंगे तो वो पोस्ट कस्टमर देख के इस ग्रुप के माध्यम से खरीद पाए बच्चे, जो पोस्ट आपने डाले। जैसे किसी भाई ने पेमोरिन डाल दिया तो किसी कस्टमर को पेमोरिन चाहिए तो वो अपने ग्रुप के अंदर आए और उसको सर्च करे, खरीद ले, वेलाब्राको चाहिए, रोटविलर चाहिए, जर्मन शेफर्ड चाहिए, पिटबुल चाहिए, जो भी ब्रीड, ठीक है। और दूसरा इसमें किसी के लिए ये स्पेशल नहीं है कि भाई आप 10,000 रुपये का बच्चा बेचो इसके अंदर, या 20,000 रुपये का ही स्पेशल बेचना आपने, या 30,000 रुपये का ही बेचना, या 50,000 रुपये का ही बेचना है। वो हमारे मॉडरेटर जो रहेंगे, जो हमारे भाई रहेंगे, जो इस ग्रुप के मालिक रहेंगे, उनके हाथ में ये रहेगा। वो बच्चे की क्वालिटी देख के ही अप्रूव करेंगे। आपको अगर लगता है बच्चा सही है, ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको अप्रूव कीजिए। एक भाई को अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे भाई को अच्छा लग जाते हैं, वो अप्रूव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सबको बराबर की अथॉरिटी रहेगी, वो अपने ग्रुप के मालिक रहेंगे, वो इसको संभाल सकते हैं। तो जो आधार कार्ड, लोकेशन की और इन चीजों की जो मैं बात कर रहा था, उसमें भी एक अकाउंटेंट चाहिएगा। क्योंकि जो इसके अंदर ग्रुप के अंदर एडमिन मतलब एंट्री लेना चाहता है, तो उसका हम सोच रहे थे कि भाई ग्रुप के अंदर एंट्री लेने के लिए पूरा सिस्टम चाहिए। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ब्रीडर सोसाइटी के द्वारा किसी के साथ धोखा ना हो। ऑल इंडिया के अंदर जो भी इसमें कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो मतलब इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी भाई के पास बेस्ट आइडिया है ना कि भाई इस तरीके के साथ हम और भी यकीन करवा सकते हैं हमारे ग्राहकों को, या इंडिया के अंदर ग्रुप को अपने को फैला सकते हैं, किसी भी प्रकार का आइडिया हो इस ग्रुप को चलाने के लिए, तो आपका भी स्वागत है। आइए संपर्क कीजिए, हमसे बात कीजिए। अब इस ग्रुप को ऑल इंडिया के अंदर फैलाना आप सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन एंट्री
रूल रेगुलेशन के साथ ही होएगी, वही इस ग्रुप का मेंबर बन सकता है, ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, ये नहीं है कोई कोई भी आया चप्पल चोर घटिया आदमी और ग्रुप के अंदर एंट्री मार के बैठ गया, नहीं। यहाँ पर सिलेक्टेड बंदे रखेंगे हम, चाहे हमारे पास 50 रहे, चाहे हमारे पास 100 रहे, चाहे हमारे पास 200 रहे, चाहे हमारे पास 2 जा रहे, चाहे हमारे पास 5 जा रहे, हर किसी की एंट्री नहीं है। चाहे मेरा यार है, चाहे आपका कोई यार है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हर किसी को एंट्री ना दी जाए इसके अंदर। इसके अंदर एंट्री उसी को दी जाए जो रियल पर्सन है, चाहे वो 5 डॉग रखता है, ब्रीडर में उसको बोलूंगा जो 5+ डॉग रखेगा। ठीक है, जो 5 डॉग रखता है उससे ऊपर जिसके पास भी डॉग है वो वीडियो अपना दिखाइए, वीडियो कॉल दिखाइए। या मतलब जैसे मैंने एक बार पीछे भी चलाने की कोशिश करी थी लेकिन थोड़ा गड़बड़ाहट के कारण वो हमने सिस्टम बंद कर दिया। तो उस ग्रुप के अंदर इस तरीके से काम रहेगा। ठीक है, और इस ग्रुप के रूल रेगुलेशन बनाने जिम्मेदारियां आप सबकी हमारी हैं। बाकी आप समझ जाओ जो भी मैं चाह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है, ना समझ को क्या समझाना है जी। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं, देखो ब्रीडर सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर बनेंगे, ठीक है जी, सबका स्वागत है। और आप ये मत सोचना कि आप कस्टमर के साथ किसी के साथ भी गलत करके और शांति से बैठ जाओगे और खुश हो जाओगे और पार्टी मनाओगे। नहीं भाई, अगर ब्रीडर सोसाइटी के द्वारा बच्चा किसी ने खरीद लिया और आपने कर दी गलती, तो भाई मैं खुद पोस्ट लगाऊंगा, जो तेरे से हो सकेगा निबेड़ लियो। क्योंकि भाई जब मैं मुहिम स्टार्ट कर रहा हूं ना और आप साथ दे रहे हो, तो और अगर किसी भाई ने गलती कर दी तो आप सबकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि उस भाई की इज्जत भी उतारे मार्केट में से, उसका नाम निकाल दें, उसको बर्बाद कर दें। ब्रीडर सोसाइटी के पेज पे गलत मत करना, अपने लाइफ में जो आप कर रहे हो करते रहो, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि आप गलत करके चले जाओगे, पोस्टें भी लगाएंगे और आपसे एक एक पैसे का हिसाब भी लेंगे। बस यही आग्रह है, शायद आप समझ गए होगे। अब सोच विचार के आना और सोच विचार के साथ चलना, क्योंकि भाई मेरे रूल बहुत खतरनाक हैं।